शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अच्छा अच्छा, अरे पिट्रो जल्दी लेके आओ, बचा लोग को। जो अंकल रात को पार्टी होना मांगता है। हाँ हाँ, बैठो बैठो सर। ए पास्कल डाक ठंडा। अरे बच्चा लोग किधर है, जल्दी बुलाओ। ओ जीसस, एक आए ये लोग अजुन तैयार नहीं। हम ये शादी नहीं करना चाहते, हम अलग हो रहे हैं। क्या तुम लोगों ने शादी नहीं करने का फैसला किया है? जी हाँ, और ये हम दोनों का फैसला है। ये क्या बखेड़ा खड़ा किया तुम लोगों ने? ये सब इंतजाम किसे पूछ कर किया है? दूसरों को क्यों तकलीफ देते हो? सर 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 प्लीज प्लीज रुक जाइए सर प्लीज। ये लोग जब शादी नहीं करना चाहते तो तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो? अपन ये सब इसका वास्ते किया कि तुम दोनों कभी अलग नहीं होएगा। तुम दोनों प्रॉमिस दिया लाना, बोलो दिया था कि नहीं? तो फिर काहे को ये सब? ओह गॉड, अपन को कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तुम ही बच्चा लोग को अपन को ऐसा बेइज्जत करने को नहीं मांगता था रे। ये क्या गलत बात कर रहे हो तू? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, हर किसी नहीं होने दूंगा। हमने दो दिन से अपनी नींद खराब की ताकि तुम हमें धोखा दो। यू आर चीटिंग अस सिंदर। तो मेरी बात सुन भाई, यार कुछ मत बोल, कुछ नहीं सुन रहा अपन को। बहुत इंसल्ट कर लिया अपन का सबके सामने। बहुत अच्छा दोस्ती निभाया तूने। अरे कुछ बात होता तो बोल तो सकता था, अपन तुम लोग को यहां पर लाता ही नहीं था। वाई पल्लवी वाई क्राइस्ट। कोई जाने न जाने, आप लोग तो जानते हैं कि इंदर हमें कितना प्यार करते हैं। आप लोगों से ज्यादा दुख तो हमें होना चाहिए। जितने अच्छे आप हैं उतने ही अच्छे लोग हमारे घर में हैं, जो हमें आपके जितना ही प्यार करते हैं। कितनी उम्मीदों के साथ उन्होंने हमें पाला है, क्या क्या सपने देखे हैं उन्होंने हमारे लिए। तो क्या ये जायज है कि हम अपने ही सुख के लिए उनकी सारी खुशियों को मिटा दें? दलन, जिमी, क्या तुम अपने घर वालों का दिल दुखा सकते हो? बाबा के साथ ऐसा कर सकते हो? इंदर हमें बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं हमें, फिर भी हमें अपने घर वापस भेज रहे हैं। जब हम अपने बड़ों की खुशियों के लिए अपना प्यार कुर्बान कर सकते हैं, तब आप लोगों को भी हमसे सहमत होना चाहिए। हमारे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, उनकी जगह ले सके वैसे सिर्फ आप ही हैं। आप हमें आशीर्वाद दें और हमें अपने प्यारे घर वालों के पास भेज दें। मोरी, तुमको नहीं लगता है कि माफी तो अपन को तुम लोग से मांगना मांगता है? अभी अपन समझ गया है, तुम लोग को बराबर समझ गया है।
धनी है वो माई बाप जो तुम जैसा अच्छा बच्चा लोग को जन्म दिया रहे। धनी है, पहली बार सुना था ना तो अपन को बहुत बड़ा झटका लगा था, लेकिन अभी अपन तुम लोग के फैसले को सलाम करता है। ये सबक तो सभी बच्चा लोग को सीखना मांगता है। अभी अभी और क्या बोलूं, तुम लोग बड़ा बन गया है, बहुत बड़ा बन गया है, आसमान से भी ऊंचा। होने दो, जैसा तुम चाहता है ना वैसा ही छोने दो। जाओ, जाओ, God bless you। इंदर, इंदर अपन घर पे हाथ उठाए, अपन को माफ कर दे यार, माफ कर दे। क्या कर रहे हैं यार? जा, पल्लू को घर छोड़ा। हम जा रहे हैं, कभी हमसे मिलने आओगे ना? सूरज माँ, माँ ये देख, ये ऑर्डर निकल चुका है। वो साला कमीना किसी भी वक्त जेल की सलाखों के पीछे होगा, बाद में पल्लों को वहां से घसीट कर ले आएंगे यहाँ पे। कहाँ ले आओगे, कहाँ ले आओगे तुम लोग? भूले से भी उसे यहाँ मत ले आना, इस घर में कदम भी मत रखने देना उसे। अगर उसे रखने के लिए कोई जगह ना मिले तो किसी अनाथ आश्रम में डाल देना। उसके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। से पवित्र है, हमने कोई पाप नहीं किया, सब कुछ भूल जाइए, हमें माफ कर दीजिए। हम जानते हैं तुम कभी कुछ भी गलत नहीं करोगी और ना ही हमें दुख पहुंचाओगी, हम जानते हैं, लेकिन तुम्हें तुम्हें क्या हो गया है बेटे? हाँ, ऐसा क्यों किया बोल? क्या आप हमें माफ नहीं करेंगे भैया? अरे माफी किस लिए पगली, तुम तो इस घर की रोशनी हो।
देखा, मैं ना कहती थी इंद्र जरूर वापस आएगा, आ गया। अपने पापा को भूल गया था, अपने पापा को भूल गया था। पापा लगता है, लगता है, लगता है। और मुझे मुझे कितनी चोट पहुंची वो भूल गया तू, डरा दिया था। अब देखता हूं तू मुझे कैसे छोड़ के जाता है। अब देखता हूं, नहीं जाएगा तू।